नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो हर इंट्राडे ट्रेडर करता है और 95% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर उसकी वजह से ही अपने कमाए हुए पैसे को गंवाते हैं या अपने पैसे को गंवाते हैं। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं और हर कोई कर सकता है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर होता है अक्सर ये गलतियां करता है और उस टाइम पे जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो इतना क्रंच मोमेंट होता है कि आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है। उस टाइम पे आपका माइंड थोड़े देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है और आप वो गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन गलतियों को ध्यान से सोचें और हर जब भी आप अपना ट्रेडिंग सेशन शुरू करें उसके पहले आप एक बार फिर से इस पर ध्यान दें कि आप ये नहीं करेंगे, आप ये अपने मन में ठान लें कि इन गलतियों को नहीं करेंगे, तो आप अपने पैसे को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पे, बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे और काफ़ी अदर स्ट्रैटेजीज़ में लाती रहूँगा, स्टॉक सिलेक्शन पे भी इंट्राडे के और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के काफ़ी और टॉपिक्स पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियोज़ को देखते रहें। तो दोस्तों 95% ट्रेडर्स जो होते हैं मार्केट में वो तो पैसे गंवाते हैं, ये बात तो प्रूव्ड है। ये तो मतलब हिस्टोरिकली और वर्ल्ड में प्रूव किया गया है कि 95% ऑफ ट्रेडर्स जो ऑलमोस्ट है वो पैसे गंवाते हैं और इन 95% में जो मैक्सिमम होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं। दोस्तों आप ध्यान देंगे जो FIIs होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, ये पैसे नहीं गंवाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये पैसे बनाते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं अक्सर वही पैसे गंवाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों कि एक दिन आप 5 दिन हो सकता है प्रॉफिट कमाएं लेकिन एक दिन आप इतना बड़ा लॉस कर देंगे कि उसके बाद से आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि भाई मैं शेयर मार्केट हो गया, मुझसे नहीं होता शेयर मार्केट, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। दोस्तों इसी एक गलत ट्रेड की वजह से आप शेयर मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हैं एक दिन बड़ा लूज़ करने के बाद, या एक महीने या एक हफ्ते में बड़ा पैसा लूज़ करने के बाद आप एग्ज़िट कर जाते हैं और आप काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। जो अगर आप मार्केट में सर्वाइव करते, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे तो आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे और जिस पे आप काफ़ी कैश इन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। दोस्तों याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में आना डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टॉक मार्केट में से जाना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई सर्वाइव कर गया 2 साल 3 साल 4 साल तक तो समझ लीजिए इवेंचुअली वो पैसे बना के ही निकलेगा। दोस्तों सबसे पहली जो गलती है वो है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और जो स्टॉप लॉस लगाते भी है वो एक मेंटल स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब कि वो अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर पैसे खोता है। अब देखिए एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या टेंडेंसी होती है, कभी भी स्टॉक एक सर्ज मारता है किसी न्यूज़ पे या कुछ भी आपने सुना कि हाँ भाई एक टीवी पे न्यूज़ आया, फट से जाते हैं दौड़ते हैं उस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं। अब वो स्टॉक आपने मान लीजिए 100 रुपये पर ख़रीदा, वो 101 रुपये भी जाने को अगर जाता है 101 पे भी तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि भाई चलो कुछ मिल रहा है ले के लिए। लेकिन अगर वो स्टॉक 100 से 99 आ जाता है तो आप अपना लॉस बुक करने के लिए नहीं रेडी होते, आप सोचते नहीं भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं ऊपर जाएगा। फिर वो 96 पे आता है, 98 पे आता है, आपको लगता है नहीं भाई अभी थोड़ा देर ऊपर जाएगा। फिर वो 96 पे आता है, 93 पे आता है और वहाँ पे लास्ट में जब वो सबसे नीचे चला जाता है आपको लगता है कि भाई नहीं बहुत हो गया, तब आप अपना लॉस बुक कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ सामने आती है कि आप अपने प्रॉफिट को, थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेने को तैयार है लेकिन अपने लॉस को आप लेने को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो गलत ट्रेड हो गया है आपसे और आप उसको लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस माइंडसेट को अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो आप मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। कभी भी मेंटल स्टॉप लॉस ना लगाइए। अगर आपने 100 रुपये पर कोई स्टॉक लिया है और आपको लगता है कि आप 102 का आपको टारगेट है कि आप उसने पे खुश रहेंगे उससे, और आपको अपना स्टॉप लॉस वहीं पर डिसाइड करना पड़ेगा कि 98, और जैसे ही आप वो बाई ऑर्डर कीजिए साथ में आपका स्टॉप लॉस वाला भी ऑर्डर होना चाहिए। आपका बाई ऑर्डर जो होना है वो कवर्ड ऑर्डर होना चाहिए या ब्रैकेट ऑर्डर होना चाहिए या वो ऑर्डर विद स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि मान लीजिए इसी केस में अगर वो आपके ट्रेड वो आपके अगेंस्ट में चला जाए या आपने जो सोचा था उसके अगेंस्ट में चला जाए तो आपको वहाँ नुकसान बिल्कुल लिमिटेड हो। तो दोस्तों स्टॉप लॉस को कभी भी अपने माइंड में मत रखिए, याद रखिए, क्योंकि अक्सर जब माइंड में हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये होता है कि जैसे वो हमारा
मेंटल स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, हम इसको स्क्वायर ऑफ ना करके वेट करते हैं कि भाई अभी बाउंस बैक जाएगा, अभी थोड़ा ऊपर जाएगा, और उस चक्कर में वो और नीचे जाता रहता है और इवेंचुअली हम एक बड़े लॉस के साथ एग्जिट करते हैं और फिर हम स्टॉक मार्केट से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो मिस्टेक है वो आप ना कीजिए कभी, कभी भी अपना स्टॉप लॉस आप पहले से डिसाइड कीजिए और मेंटल एक कोई आप दिमाग में कोई स्टॉप लॉस ना रखिए, वो स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में फीड होना चाहिए। दूसरा जो गलती हर इंट्राडे ट्रेडर अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो होता है कि वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं। दोस्तों एक जनरल टेंडेंसी होती है कि कोई भी स्टॉक नीचे गिरता है तो हम सोचते हैं भाई गिर गया है, काफ़ी गिर गया, चलो खरीद लें, और इस चक्कर में मान लीजिए वो 100 से 90 आया, फिर 90 से 85 रुपीज़ पे आया, फिर 85 से 80 आया, हमें लगा कि भाई 20% गिर गया, चलो अब खरीद लेते हैं, हमने खरीद लिया 80 पे, लेकिन जब वो वापस 75 गया और 70 गया फिर हमें इवेंचुअली स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा और हमारा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है, कोई भी स्टॉक में ट्रेंड है नीचे जाने का, तो आप बॉटम फिशिंग ना करें, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप सबसे नीचे पॉइंट पे कैच कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी मार्केट का बॉटम और टॉप नहीं प्रेडिक्ट कर पाया है ये, कोई भी दुनिया में अगर बॉटम और टॉप एग्जैक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ये डिसाइड होता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई से। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप रैदर देन फाइंडिंग बॉटम और टॉप, आप ये पता कर सकते हैं जब वो बॉटम के बाद से ऊपर बढ़ना चालू हो या वो जब टॉप के बाद से नीचे जाना चालू हो, उस ट्रेंड को आप काफ़ी अच्छे इंडिकेटर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ट्रेड कीजिए ट्रेंड के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कभी निफ्टी अगर ऊपर खुलता है और 90 पॉइंट गिर जाता है खुलते ही, उसके बाद से आपको लगता है कि आपने कहा कि भाई हमने शॉर्ट किया, फिर उसके बाद से रिकवरी आ गई और बढ़ गया, तो दोस्तों ये ट्रेंड नहीं होता कि अगर मार्केट 90 पॉइंट खुला तो सीधे आप सारे स्टॉक शॉर्ट कर दो, आप थोड़ा वेट करो, आप देखो क्या वो 90 पॉइंट नीचे गिर के रिकवर कर रहा है, अगर वो 90 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्केट क्लोज होने तक ग्रीन में क्लोज है, तो वो ये नहीं हुआ कि आप नेगेटिव ट्रेंड था और आपने सब स्टॉक को शॉर्ट कर दिया, वो एक रिकवरी थी। तो पहले 5-10-15 मिनट आपको मार्केट में हमेशा वेट करना चाहिए, एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाए जब उसको देख के ही आपको कोई भी ट्रेड लेना चाहिए, और रिवर्सल पॉइंट पे कभी ना ट्राई करें कि आप रिवर्सल पॉइंट या बॉटम आप कैच कर लेंगे, जब भी आप ऐसा करेंगे आप हमेशा पैसे लूज़ करेंगे। जो भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस है मार्केट में एक बार उसको टेस्ट कर लेने लीजिए, उसके बाद से जब कोई एक डायरेक्शन स्टैब्लिश हो जाए तभी आप ट्रेड कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज ही या आप उस एग्जैक्ट पॉइंट पे उसको कैच करें, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली इसको यहाँ पे कैच करें, आप यहाँ भी कैच करेंगे तो भी आप यहाँ से यहाँ तक आराम से प्रॉफिट पा सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो गलती जो सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर करते हैं कि वो एवरेज कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज़ आपने 100 रुपये का एक स्टॉक ख़रीदा, अभी आपने तो ले लिया था कि भाई तुरंत एक न्यूज़ आया ऊपर भागा, 96 पे चल रहा था, 100 रुपये का स्पाइक मारा आपने ले लिया, फिर आपको लगा नहीं भाई 102 बुक करेंगे, आप तुरंत उसने रिवर्स किया और 98 पे आ गया। अब आपने सोचा कि भाई मेरा 2000 लॉस हो रहा है अभी, तो अब ये कैसे कवर होगा, तो चलो 1000 और लेते हैं, जैसे ही 99 पे अब जाएगा अब उसको बेच देंगे, आपने 2000 और ले लिया, अब आपके पास टोटल 4000 स्टॉक हो गए, लेकिन वो 98 से वापस 97 जैसे आता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर आपने उसको एवरेज नहीं किया होता तो आपका मतलब कि 100 से 97 गया तो 6000 का लॉस हुआ, आपने 2000 अगर स्टॉक लिया, लेकिन अगर आपने 98 पे एवरेज करके 2000 और ले लिया तो आपका ये 6000 तो हुआ ही, जो नया आपने स्टॉक लिया था उससे 2000 का और नुकसान हो गया 8000, तो ये पैनिक और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। फिर आप अगर जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना ही आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उतना ही आप होल्ड नहीं कर पाएंगे पोजीशन को, उतना ही टाइम नहीं दे पाएंगे आप वोलेटिलिटी को। तो दोस्तों ये एक बहुत ही गलत एटीट्यूड होता है, आप अपना क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए, आपकी क्वांटिटी बस उतनी होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और उसमें एक आप अच्छा स्टॉप लॉस दे सकते हैं स्टॉक के हिसाब से। अगर वो स्टॉक 800-900 का है तो आपको एटलीस्ट 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस देना चाहिए उसमें, क्योंकि आप 1% तो देंगे एटलीस्ट स्टॉक, तो अब अगर आप 1000 का कोई स्टॉक लेंगे आप उसमें 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे तो हमेशा हिट होगा। इसीलिए रैदर देन बाइंग बिग क्वांटिटी एंड कीपिंग वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, यू शुड फोकस ऑन बाइंग स्मॉल क्वांटिटीज एंड कीपिंग ए डिसेंट स्टॉप लॉस, ताकि आपका कभी भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये तीन जो गलतियाँ हैं, अगर इसको आप जानें और इसको आप ना करें, आप जब भी आप ट्रेडिंग का डे स्टार्ट करें आप हमेशा खुद को ये बोलें कि भाई ये मैं गलती आज नहीं करूँगा, और हमेशा अपने ट्रेड को डिसिप्लिन से फॉलो करें तो आपको इंट्राडे में लॉस नहीं होंगे। दोस्तों मार्केट में जैसा कि मैंने कहा कि आना या जाना बहुत इजी होता है, लेकिन सर्वाइव करना मार्केट में ट्रेड करके बहुत टफ होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को
फॉलो कीजिए, अपने ट्रेड में डिसिप्लिन लाइए और शेयर मार्केट में पैसे बनाइए। तो दोस्तों ये तो रहा आज का वीडियो, आगे वाले जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें मैं इंट्राडे के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे बात करूँगा। तो टोटल मैं 5 स्ट्रैटेजीज डालूंगा जिसको आप 5 डिफरेंट तरीके से कैसे आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको, तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा वीडियो का सीरीज़ होने वाला है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियोज़ का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हैप्पी इन्वेस्टिंग।